तो ये सुक्का शूटर है जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का, ये आरोपी है। और कैसे पकड़ में आया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये अब यहाँ से पेश करने के लिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जो है ले जाया जा रहा है। CIA की टीम जो है वो भी साथ में है, और सेक्टर 29 थाना पुलिस जो है उनके साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है रात को किया गया था। और सुखे को पानीपत के निजी होटल से जो है गिरफ्तार किया गया था, और जिसकी लाइव तस्वीरें जो हैं आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं। अब पेश करने के लिए जो है मुंबई पुलिस पानीपत ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जो है लेकर जा रही है। मुंह पर कपड़ा बांधा हो गया है और काले शीशे वाले स्कॉर्पियो में इसे ले जाया जा रहा है। फिर लाइव तस्वीरें पानीपत के सेक्टर 29 थाना से देख रहे हैं। अब शूटर को, सुखा शूटर को जो है ले जाया जा रहा है और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, और मुंबई पुलिस जो है अपने साथ ले जाएगी। कैसे सुखा शूटर जो है पुलिस की गिरफ्त में आया वो एक एक करके, एक एक कड़ी जो है आपको बताते हैं कैसे जो है सुखा शूटर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया। आपको बता दें कि सुखा शूटर के नाम से इंस्टाग्राम पर सुखे की ID है और रेरकला गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि एक लड़की जो है मुंबई पुलिस ने तैयार की, हो सकता है वो लड़की जो है पुलिस की कर्मचारी है, उसे तैयार किया गया। और सुखे के साथ इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप को आती है, और वो फ्रेंडशिप को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद जो है दोनों में दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। ये दोस्ती जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और पुलिस के आला अधिकारी जो है उसको देखते रहते हैं, और जब वो एक दूसरे को मिलने की बात करते हैं तो उसने पानीपत का पता बताया, सुखे ने पानीपत का पता बताया कि वो पानीपत का रहने वाला है। उस लड़की को लेकर मुंबई पुलिस जो है पानीपत में आती है और होटल में कमरे लेती है, और होटल से ही जो है उस लड़की को बुलाया जाता है, और सुखा जो है उसके जाल में फंस जाता है, मुंबई पुलिस के जाल में फंस जाता है। और तब जाकर जो है उसे होटल से उसे बुलाया जाता है मिलने के लिए, और होटल में ही जब वो घात लगाकर मुंबई पुलिस बैठी थी, और वहीं से जो है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इंस्टाग्राम ID से फ्रेंडशिप होती है दोनों, और इंस्टाग्राम ID के हिसाब से जो है पानीपत के मुंबई पुलिस जो है उसे एक निजी होटल से गिरफ्तार कर लेती है। शराब के नशे में धुत था और हथियार चलाने का शौकीन था, उसके इंस्टाग्राम ID पर आप देख भी सकते हैं कि हथियारों से लैस जो है वो अपनी फोटो जो है डालते थे, शौकीन था वो। और बताया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है, और मुंबई पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी, और पूरा का पूरा जाल जो है उसे बिछाया गया, और उस जाल में जो है सुखे को लिया गया, और सुखा जो है उस जाल में फंसता चला गया। मीठी मीठी बातें बोली जाती थी उस लड़की की तरफ से, और उस लड़की से मिलने के लिए उसने पानीपत जो है बुलाया गया, और पानीपत में दोनों की मुलाकात होनी थी, वहीं से जो है ये अरेस्टिंग की गई है। देर रात जो है अरेस्ट किया गया, शराब के नशे में धुत था सुखा, और वहीं से जो है अरेस्टिंग करी गई, रात को मेडिकल भी करवाया गया। अब जो है उसे कोर्ट में पेश करके मुंबई पुलिस जो है अपने साथ ले जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि जो है मुंबई पुलिस और सेक्टर थाना 29 की पुलिस ने की है। देर रात ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, और ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जो है सुखे को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और आपको ये भी बता दें कि बड़ी उपलब्धि और पानीपत से लॉरेंस बिश्नोई के शूटर की बड़ी गिरफ्तारी होती है, और ये गिरफ्तारी की तस्वीरें आप लोगों को हम लोग सेक्टर 29 थाना पुलिस से दिखा रहे थे, और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में ये पता, कोर्ट के बाद जो मुंबई पुलिस अपने साथ ले जाएगी, और वहाँ पता लगेगा कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कब से वो संबंध रखता था, और वो जो हथियार उपलब्ध कराए गए थे और रैकी की गई थी वो किसके कहने पर की गई थी। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।